तो भाइयों हरवीर की ड्राइविंग का एक नमूना ये भी देख लो। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज का वीडियो आपको दिखाएंगे यूवो है जी, फोर व्हील ड्राइव 575, और भाइयों 7 फुटेज एरोवेटर पे चल रहा है जो कि 60 ब्लेड वाला होता है। तो भाइयों कम्प्लीटली मैं आपको दिखाऊंगा कितनी पक्की धरती में चल रहा है और क्या क्या इसकी परफॉर्मेंस है, RPM ड्रॉपेज वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो भाइयों पूरा एक बार आप सिस्टम देख लो। पहले जैरोवेटर है जी, 7 फुटा महिंद्रा का ही, और भाइयों बिल्कुल काली पक्की डाकर में चल रहा है, इसलिए जुताई ज़्यादा करनी पड़ रही है जी, क्योंकि बारिश हो गई थी और गेहूं बिजाई के लिए जो है लेट हो रहा है। तो भाइयों पहले के लो से लेके जो है पूरी परफॉर्मेंस दिखावेंगे। हरवीर 21-2000 चक्कर कर ला पुत, तो पहले लो जिमें मैं गेयर कहीं जाऊँ गेयर बधाई जाए। तो भाइयों ये छोटा सा बच्चा, भाइयों इसे देख के अपना बचपन याद आ जाता है, और ये कोई भी भाई ये ना समझे कि बच्चा ट्रैक्टर चला रहा है, भाइयों ये पूरी हेल्प करता है खेतीबाड़ी में, और इसको पूरा हिसाब है। इसकी हड़ाई तक मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सीधी होती है। देख के मैं भी एडा के हम ट्रैक्टर चलाउन लग गया सी। ते नछत्तर बाई का बेटा साढ़े मित्र का, तो पूरा हिसाब किताब है जी, इन पूरा एन हड़ाई वगैरह सब कुछ एन सुधी भरता है। तो भाई सारी चीज देखने लायक है, बच्चे की ड्राइवरी भी, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस भी, और भाई बिल्कुल है जो भाई कहते हैं कि भाई काली मिट्टी में दिखाओ, काली मिट्टी में दिखाओ। तो भाइयों यहाँ पे आके जो है बड़े बड़े ट्रैक्टरों के नाकों में दम आ जाता है भाई, खासकर रोटावेटर इंप्लीमेंट पर जब जमीन इस तरीके से गिल्ली हो। अरे भैया दूजा लाभ तो भाई इसका क्लच पे पैर भी बहुत उससे जा रहा है। भाई दूसरे की लो से ऊपर ट्रैक्टर जो है ड्रॉपेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं बहुत ही ट्रैक्टर के हिसाब से ख़राब है। ये देखो जी कुछ भाई कहते हैं अगर भाई ये डड़े सूख जाए तो रोटावेटर को भी सूखने लायक कर देते हैं, दड़ दड़ की आवाज़ आती है। अब जो आप उसकी बच्चे की ड्राइविंग देखोगे तो भाई वो पूरा इसको हड़ाई वगैरह का हर चीज का हिसाब है, और ऐसा नहीं कि भाई वो रोटावेटर को, ये कल्टीवेटर पर भी बहुत बढ़िया ट्रैक्टर चलाता है छोटा सा बच्चा। पर ये है कि भाई वो लोड थोड़ा ज़्यादा देता है, लोड पूरा रखता है ये ट्रैक्टर पर। भाई ऊपर बैठ के मैं भी चला के दिखाऊंगा आपको कि कितनी ड्रॉप है जाती है, क्या बात है। लेकिन अगर भाई वो परिस्थितियों की बात करें, जो ट्रैक्टर इस परिस्थिति में रोटावेटर या जोरावेटर चला सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जमीन में जाके वो फेल हो जाएगा। अब आप इसकी जो है हड़ाई देखो जी, बिल्कुल एन जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, एन सीधी सीधी हड़ाई है इसकी, जैसे बच्चा है कहीं, और ये पूरे का पूरा खेत इसने ही जुताई करी है, और जितना भी रोटावेटर का काम है यही करेगा। तो
तो भाई 80-85 आरपीएम का ड्रॉपेज रह जाता है पहले के लो में। दुआ लो रख पुत, दुए लो वधिया चलता। तो भाई कोई भी भाई ये ना कहे कि वीडियो बनाने के लिए बच्चे से ट्रैक्टर चलवा रहे हो, भाई ये पूरा ट्रैक्टर सब इसको पूरा पता है, हाई लो मीडियम हर चीज के बारे में परफेक्टली जानकारी रखता है ये। और हमारे जो दोस्त हैं नछत्तर भाई और उनके पास सात भाई, वो पूरा काम कराता है ये। ऐसा नहीं है कि कहीं ये अनाड़ी है या सिर्फ खेत में ट्रैक्टर चलाता है। तो भाई वो लगभग मैं भी इसी उम्र से जो है ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था, और इसे देख के भाई मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। तो भाई वो और जो है हैरो वगैरह की परफॉर्मेंस के वीडियो इसके मौजूद हैं ट्रैक्टर के, कल्टीवेटर के भी मैं डालूंगा जी, फोर व्हील ड्राइव 575 के। तो भाई वो जिन बच्चों को जिन भाइयों को हरवीर की ड्राइविंग अच्छी लगी भाई वो भी भाई जो है कमेंट करना। और भाई वो किसान का काम ही ऐसा होता है कि भाई हमें छोटे होते ही काम सीखना पड़ता है। तो भाई वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो है इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज है किसान टेक्निकल के नाम से ही है, तो भाई जाके वहाँ पे रील वगैरह देखनी हो तो भाई वो आप जो है जाके फॉलो कर सकते हो पेज को। और भाई आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और भाई अपने चैनल पे जो है ट्रैक्टर संबंधित नए नए वीडियो आते रहते हैं। और भाई आपको किसी स्पेशल ट्रैक्टर का वीडियो देखना है तो वो भी आप लोग। तो भाई हरवीर की ड्राइविंग का एक नमूना ये भी देख लो। तो भाई इसके जो पापा है ना हमारे भाई नछत्तर भाई, वो पहले हाई में जुताई करते हैं लेकिन ये तीसरे के मीडियम में करता है। तो भाई इस छोटे से बच्चे की हड़ाई चेक करा दूं मैं आपको। बिल्कुल एन सीधी हड़ाई है जिसकी। तो भाई हरवीर की ड्राइविंग कैसी लगी ये भी जरूर बताना। धन्यवाद।